नमस्कार। कक्षा 10 अध्याय 14 सांख्यिकी। बहुलक। बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों का वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का वह मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। बच्चों, हमारे सामने एक डाटा दिया गया है, इसमें से वह संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट होगी या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, वह ही इस पूरे डाटा का, इन दिए हुए प्रेक्षणों का बहुलक होगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, संख्या 5 सबसे अधिक बार आ रही है, इसीलिए अधिकतम बारंबारता होगी 5 की, इसीलिए इन दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक भी होगा 5। आइए अब हम सीखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक का फॉर्मूला या सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। आइए अब हम देखते हैं कि ये L, F1, F0, F2 ये सब क्या है। देखिए बच्चों, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा। जो भी बहुलक वर्ग होगा उसकी निचली सीमा को L कहा जाता है। H होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी कोई वर्ग कितने अंतराल का है, और हम जानते हैं कि सभी अंतराल बराबर मापों के होते हैं। इसी प्रकार से F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होगा बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 होगा बहुलक वर्ग के आने वाले यानी अगले वर्ग की बारंबारता। तो जैसे 0, 1, 2 इसी प्रकार से गिनती होती है, तो आपने ऐसे ही याद रखना है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 पिछले वर्ग की, F2 अगले वर्ग की बारंबारता। ये सब आपको आगे दिए गए प्रश्न के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आइए अब हम प्रश्नावली 14.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को, रोगियों की आयु को दर्शाती है। देखिए, आपको आयु वर्षों में दी है 5 से 15, तो इसमें कितने रोगी हैं? 6। 15 से 25 वर्ष के कितने रोगी हैं? 11। 25 से 35 वर्ष के कितने रोगी हैं? 21। इस प्रकार से आपको यह सारणी दी गई है। हमारा प्रश्न है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, माध्य तो आप पिछली एक्सरसाइज में सीख ही चुके हैं, तो अभी हम इस वीडियो में आपको माध्य निकालना नहीं सिखाएंगे, वो आप पिछली प्रश्नावली में ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बहुलक निकालना। आइए देखते हैं। ये हमारे पास सारणी दी गई है। देखिए, अधिकतम बारंबारता
यदि आप रोगियों की संख्या वाला कॉलम देखें तो इसमें वैल्यूज दी गई हैं 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो इनमें से सबसे अधिक बारंबारता यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23। इसका मतलब अधिकतम बारंबारता है 23। इसका मतलब 23 वाला वर्ग कौन सा है? 35 से 45। तो यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। प्रत्येक प्रश्न में सबसे पहले हमें यही देखना है कि कौन सी बारंबारता सबसे अधिक है और उसी का जो वर्ग होगा वह बहुलक वर्ग होगा, जैसा कि हमने यहां पर देखा है। इसके बाद देखें, इस बहुलक वर्ग 35 से 45 की निचली सीमा वो है 35, इसी को हम कहते हैं L। और F1 हमने कहा था बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी F1, इससे पिछले वाले की होगी F0 और इससे अगले वाले की होगी F2। तो ये हमने कुछ वैल्यूज देख ली हैं। अब आगे है H। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो देखिए, आप चाहे 5 से 15 देखें, चाहे 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, किसी भी वर्ग में H होगा ऊपर की सीमा से निचली सीमा को घटा देंगे। तो बहुलक वर्ग है 35 से 45, इसकी ऊपर वाली सीमा 45 में से हम 35 को घटा देंगे तो हमें H प्राप्त होगा 10। आइए अब इन सब वैल्यूज को, इन सब मानों को हम बहुलक के सूत्र में डालते हैं। तो देखिए, L की जगह पर हम लिखेंगे 35, F1 की जगह पर 23, F0 की जगह पर 21, नीचे है 2F1, 2 into F1, F1 है 23, माइनस F0, F0 है 21, माइनस F2, F2 है 14, गुना H, H कितना है? 10। अब बच्चों, अब हम इसे हल करेंगे। देखिए, 35 को ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर 23 में से 21 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 2, नीचे 23 को 2 से गुना करने पर प्राप्त होगा 46, और 46 में से 21 माइनस करने पर प्राप्त होगा 25, और 25 में से 14 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 11। तो इस प्रकार हमें ऊपर मिला है 2, नीचे मिला है 11, गुना 10। अब 10 को सबसे पहले 2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 दुना 20, 20 को 11 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 1.82। तो हमें प्राप्त हुआ 35, ये 35 तो ऊपर से नीचे हम हर बार उतारते जा रहे हैं, प्लस 20 को 11 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 1.82। तो 35 में 1.82 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 36.82, 35 और 1 36.82। इस प्रकार से बच्चों हमारे पास बहुलक आया है 36.82। तो उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक कितना हो गया? 36.82 वर्ष। आशा करता हूं आपको बहुलक निकालना अच्छे से समझ होगा। धन्यवाद।